नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं वैकेंसी अपडेट लाया हूँ आप लोगों के लिए, वो लाया हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें दोस्तों अगर आपने 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी करके रखा है तो आपके लिए जो है एक सुनहरा मौका है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का। इसमें जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी हर विभाग में दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ये जो डेट है पब्लिकेशन की डेट, ये 12/2/2020 को जो है पब्लिकेशन किया गया। इसमें जो है आपको स्टार्टिंग होगा फ्रेंड्स 3/3/2020 से, 3 मार्च से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म अप्लाई होना। इसके बाद जो है आप 24/3/2020 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फीस की, तो जो 27/3/2020 है इस तारीख तक है जो आपको फीस डिपॉजिट करवा देनी है। फीस डिपॉजिट जो होगा वो होगा आपका ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी जो है आप घर बैठे मोबाइल से ही फीस भर सकते हैं और फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी वहां मिल जाएगा, वहां जाके जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आपके लिए जो है एज क्या रखी गई है। अगर हम बात करें एज की, तो जो है मिनिमम एज है आपकी 17 साल और मैक्सिमम जो एज होगी वो होगी 42 ईयर्स। इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, इसके अलावा OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप PWD से हैं तो आपको जो है कम से कम 10 साल की छूट मिल जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि आपके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरी 1, 2, 4, 5, 6 ये जो है कैटेगरी है आपकी, इसमें जो है आपको फ़ीस लगेगी मेल फीमेल के लिए 150 रुपये, आपको जनरल वालों के लिए, अगर आप जनरल से हैं और आप हरियाणा से हैं तो आप जो है 75 रुपये में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ST SC जो है इन लोग को 35 रुपये फ़ीस लगेगी और जो उनसे भी जो नीचे वाली कैटेगरी के हैं उनको 18 रुपये। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है, तो आपकी जो सैलरी है वो 5,200 रुपये से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में होगी सैलरी। अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट है दोस्तों नायब तहसीलदार के लिए 6 वैकेंसी है। इसके अलावा इलेक्शन के लिए जो है आपको 21 वैकेंसी, वर्क सुपरवाइजर के लिए जो है आपको 117 वैकेंसी है, ऑटो डीजल मैकेनिक के लिए 39 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए जो है आपका 33 है और प्लम्बर के लिए 4 वैकेंसी है। दोस्तों इसमें जो है ब्रांच मिक्स कर दी गई है, आप देख सकते हैं आपने जिस ब्रांच से ITI करके रखा है या डिप्लोमा करके रखा है या आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप जो है उसके हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार प्लम्बर कारपेंटर में जो है और डीजल मैकेनिक में, इसमें ITI का डिप्लोमा मांगता है। इसके अलावा नायब तहसीलदार में आपको जो है एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि आपको जो है टेली ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए जो है इसमें भी डिप्लोमा होता है 2 साल का, इसमें 9 सीट है। इसके अलावा सर्वेयर के लिए 1 सीट है, पेंटर के लिए जो टोटल सीटें हैं वो है 27, मेसन के लिए 23 और मैकेनिक जो है आपका एयर कंडीशनर AC या रेफ्रिजरेशन के लिए आपको जो टोटल सीटें हैं वो देखने को मिलेगी 7। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 2 सीटें हैं, चार्जमैन के लिए जो है आपका AC या रेफ्रिजरेटर इसके लिए 2 सीटें हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई ये सिंगल स्टेट के लिए नहीं है, आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप चार्जमैन इलेक्ट्रिकल होगा, इसमें 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 115 सीटें हैं, मशीन टूल ऑपरेटर के लिए 7 सीटें, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 11 सीटें हैं, चार्जमैन मिसेलियस के लिए जो है आपको 11 सीटें हैं, स्टोर कीपर के लिए 15 सीटें हैं, फिल्टर हैवी मशीन के लिए 39 सीटें हैं, सुपरवाइजर के लिए 12 सीटें हैं, बैंक स्मिथ के लिए जो है आपको 6 सीटें देखने को मिलेगी। इसके अलावा वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर के लिए जो है आपको 14 सीटें हैं। इसमें जो है आपको टोटल 41 जो है आपकी कैटेगरी डिवाइड की गई है और 41 में जो है आपको सीटें हैं कि किस किस ब्रांच में जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप इंस्पेक्टर के लिए 32 सीटें हैं, चार्जमैन हैवी प्लांट के लिए 14 सीटें हैं, सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी, सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट के लिए
दो सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है आपका 4 सीटें हैं, जूनियर मैकेनिक के लिए 10 सीटें हैं, अकाउंटेंट क्लर्क के लिए जो है 11 सीटें हैं, स्टोर कीपर के लिए 3 सीटें हैं, स्टोर क्लर्क के लिए जो है आपको टोटल 6 सीटें हैं, असिस्टेंट स्पीड प्रोडक्शन ऑफिसर इसके लिए जो है आपको 31 सीटें हैं। दोस्तों ये जो सीटें हैं इसमें जो है आप फॉर्म को अप्लाई करें तो अपना जो है पोस्ट कोड देख लेना आप कि कौन से पोस्ट कोड से जो है आप बिलोंग करते हैं और आपको जो है इससे फॉर्म अप्लाई करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट का है 2 सीटें हैं, सीनियर मैकेनिक के लिए 2 सीटें हैं, मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए 4 सीटें हैं, TGT पंजाबी के लिए जो है 176 सीटें हैं। इसके अलावा टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है आपका थ्योरी से उनके लिए 93 सीटें हैं, फिल्टर इंस्ट्रक्टर थ्योरी के लिए जो है 144 सीटें हैं, कारपेंटर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल के लिए जो है 14 सीटें हैं, फार्मासिस्ट के लिए जो है आपको 25 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है आपको टोटल 28 सीटें देखने को मिलेगी। इस प्रकार दोस्तों अगर आप वैकेंसी टोटल देखें तो आपको जो है 1137 जो है आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेस पे होगा तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम बेस पे होगा। एग्ज़ाम में जो है आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिस पे जो है बेस्ड होगा। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस होंगे। इसमें जो है आपको जो टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे इसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी जिससे जो है आपने ब्रांच से जो भी आपने डिप्लोमा करके रखा है, डिग्री करके रखा है या आपके पास जो भी डिग्री है उससे जो है आपके टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।